दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई वालों छापेमारी की जा रही है। दिल्ली में नवी शराब नीति के घोटाले के इल्जाम लगे ने मनीष सिसोदिया से। इस मामले में दिल्ली में 21 थावां सीबीआई वालों रेड की जा रही है। खुद मनीष सिसोदिया ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने कहना है कि सीबीआई उन्होंने घर पहुंची है तो उन्होंने स्वागत है, वह हर जांच में सहयोग देंगे। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि इस तो पहला भी कई मामलों में उन्होंने जांच की गई है, कई केस से जांच की गई सी पर कुछ भी हासिल नहीं होया। इस बार भी वह सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग देंगे। नाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भी इस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने सीबीआई की छापेमारी से निशाना साधा है। उन्हों का कहना है कि मनीष सिसोदिया देश के सब तो वधिया सिक्ख्या मंत्री ने, सिक्ख्या के काम को रोकने के लिए ही यह रेड की गई है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई की इस रेड में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो उधर बीजेपी भी हूँ इस मामले इल्जाम लगा रही है। उन्होंने कहना है कि दिल्ली में वड्डा शराब घोटाला होया है, करोड़ों रुपए की लुट की गई है। इस मामले में पूरी तरह हुण सियासत भी भग गई है। सीबीआई वालों फिलहाल मनीष सिसोदिया के घर में रेड की जा रही है।